बड़वाह शासकीय अस्पताल में गुरुवार को ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक सचिन बिरला ने बड़वाह व सनावत के शासकीय अस्पतालों को चिकित्सा सुविधाएं जुटाने के लिए 53 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। बिरला ने बताया कि बड़वाह अस्पताल हेतु 4 बेड क्षमता युक्त शिशु गहन चिकित्सा इकाई के लिए 10 लाख, 20 किलोवाट क्षमता युक्त सोलर प्लांट के लिए 10 लाख, ऑटोमेटिक ब्लड सेल काउंटर मशीन के लिए 4 लाख रुपए, महिला प्रसव हेतु एनेस्थेसिया मशीन के लिए 3 लाख और इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन के लिए 1 लाख रुपए तथा सनावत अस्पताल के लिए 4 बेड की क्षमता युक्त गहन शिशु चिकित्सा इकाई के लिए 10 लाख, 20 किलोवाट क्षमता युक्त सोलर प्लांट के लिए 10 लाख रुपए, CVC मशीन के लिए 4 लाख रुपए एवं इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। सनावत के ऑक्सीजन प्लांट के बारे में बिरला ने कहा कि सनावत के शासकीय अस्पताल में प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। सनावत में भी अतिशीघ्र ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा। बिरला ने कहा कि बड़वाह क्षेत्र के सभी शासकीय अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अधिकाधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बड़वाह के बहुप्रतीक्षित ऑक्सीजन प्लांट का आज हमारा लोकार्पण हुआ है और सभी दानदाता उपस्थित थे, समाज का प्रबुद्ध जन उपस्थित थे और जिन लोगों ने बहुत मदद की है वो सभी शासकीय कर्मचारी, हमारे अस्पताल के कर्मचारी, SDM साहब और सभी यहाँ के विभाग के आदमी जो जिन लोगों ने मदद की वो सभी लोग यहाँ पर। ये प्रेरणा तो अपने घर से, अपने परिवार से ही मिली है। मैंने देखा है अपने परिवार में होते हुए और बड़वाह के लिए एक हमेशा से ही एक मन में रहा है कुछ करना है। मैं उस स्थिति में हूँ अभी जहाँ मैं कार्य करता हूँ, वहाँ मेरा ये पद है कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ ये कार्य करने के। और जब मुझे पता लगा कि बड़वाह में ये आवश्यकता है और अगर मेरे सहयोग से सबके साथ मिलकर ये काम हो सकता है तो मुझे लगा मैं आगे, मतलब बिल्कुल मेरे लिए एक बहुत अच्छा सौभाग्य है। और वो देखते हुए जब विधायक जी दामू भैया, पुरुषोत्तम जी डालू का चिकोटी ने जब मुझे फ़ोन किया कि आप क्या कर सकते हैं, मैंने इमीडिएटली समझा कि क्या उनकी योजना है और उसको देखते हुए इमीडिएटली इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स अप्रूव करके उस कंपनी में फंड्स ट्रांसफ़र करा दिए ताकि ये जल्द से जल्दी प्लांट लग पाए। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।